दोस्तों आज के वीडियो में हम सोल लैंड की आगे की नॉवल की कहानी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक इसकी पिछले पार्ट को नहीं देखा है वह लोग जाकर जल्दी से उस पार्ट को भी देख लीजिएगा, वह चैनल पर अवेलेबल है। लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि टैंक्शन ने टैंक्सक्लन का सीक्रेट वेपन भोडी ब्लड का इस्तेमाल करते हुए डेमोनिक वाले किंग को पूरी तरह से मार दिया था, जिसके बाद हमने देखा था कि डेमोनिक वाले किंग के बॉडी से बहुत मात्रा में एनर्जी निकल रही थी और उस एनर्जी को टैंक्शन अपनी एक स्पाइडर लांस की मदद से सारे श्रेक डेविल्स को प्रोवाइड कर रहा था। अब आगे हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर टैंक्शन डीप सी डेमोनिक वाले किंग के भंवर में छलांग लगा दिया था। हम देखते हैं कि टैंक्शन बीच हवा में ही रुक जाता है और इस भयानक एनर्जी को महसूस करने लगता है। इसे ब्लॉक करना तो छोड़ो, टैंक्शन इस समय कोई रिस्पांस भी नहीं कर रहा था। तभी टैंक्शन महसूस करता है उसकी मेंटल वर्ल्ड में विस्फोट हो रहा है और उसकी मेंटल पावर सप्रेस हो रहा है। इधर श्रेक डेविल्स भी इस नज़ारे को देखकर घबरा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि इस पर्पल कलर की एनर्जी की वजह से हैमर भी पर्पल हो जाता है, जिसके कारण टैंक्शन सीधे ही समुद्र में गिरने लगता है। इधर डेमोनिक वाले किंग के सोल रिंग तो बाहर निकलकर आ गई थी, लेकिन टैंक्शन तो समुद्र की गहराई में जा रहा होता है। इधर हम सीओ बाई को देखते हैं जो वह डेमोनिक वाले किंग के बॉडी को कसकर पकड़ लेते हैं क्योंकि वह अभी भी काम की होती है। पर्पल एनर्जी के कारण टैंक्शन के आसपास पानी नहीं आ पा रहा होता है, जबकि टैंक्शन समुद्र की तन की ओर जा रहा होता है जहां डेमोनिक वाले किंग रहता था। वह काए 10,000 ली की गहरी होती है। वैसे ये सोल रिंग पहले ही टैंक्शन के कंट्रोल से बाहर हो गई होती है। हम देखते हैं कि पर्पल एनर्जी हैमर की ओर बढ़ रही होती है जिस पर रेड पैटर्न कंडेंस होने लगती हैं, धीरे धीरे करके पूरी ही हैमर में फैलने लगती है। इससे टैंक्शन काफी ज्यादा गर्मी को महसूस कर रहा होता है। ये प्रोसेस ही काफी अजीब थी। भले ही टैंक्शन राइट हैंड में ट्राइडेंट को पकड़ा हुआ था जिसकी वजन के कारण वह हिल भी नहीं पा रहा होता है, साथ ही अपनी लेफ्ट हैंड में हैमर को पकड़ा होता है। टैंक्शन को पर्पल एनर्जी कवर किया हुआ था, लेकिन फिर टैंक्शन देखता है उसके लेफ्ट हैंड धीरे धीरे करके पर्पल से रेड हो रहा है। रेड लाइट रुकने से पहले ही लेफ्ट हैंड के शोल्डर तक पहुंच गई होती है, साथ ही वह पर्पल एनर्जी भी अब्सॉर्ब हो जाती है। टैंक्शन का कंट्रोल लेफ्ट हैंड से छूट जाता है। टैंक्शन को पता नहीं चल रहा था कि यहाँ आखिर क्या हो रहा है, और कुछ ही समय में वह एनर्जी टैंक्शन के पूरी बॉडी में ही फैल रही होती है। वह रेड एनर्जी सिर्फ माथे की सी गॉड मार्क के 10 सेंटीमीटर के आसपास तक नहीं फैलती है। उस रेड एनर्जी से टैंक्शन को लगा कि सी गॉड मार्क भी काम गया हो। ये देखकर टैंक्शन भी डर जाता है। वही यह एनर्जी 6 सोल बोन की ओर जाती है और भयानक एनर्जी वेद के साथ विस्फोट होता है। उसके दर्द से टैंक्शन के मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन वह ब्लड भी समुद्र में नहीं गिरा बल्कि खुद की ही बॉडी के द्वारा अब्सॉर्ब कर लेती है। टैंक्शन जानता था कि वह एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सोल रिंग होने वाली है, जिसके कारण टैंक्शन सी गॉड लाइट पर भरोसा किया था, लेकिन अभी की स्थिति में सी गॉड लाइट पूरी तरह से बेकार हो जाती है। यह अब्सॉर्ब करने की प्रोसेस आगे ही बढ़ नहीं रही होती है, जबकि डेमोनिक वाले किंग ने भी उसे कोई भी परेशान नहीं किया था। इसके बजाय पूरी ही प्रोसेस को हैमर कंट्रोल कर रहा होता है। तभी डेमोनिक वाले किंग के बॉडी के सेंटर में बहुत तेज वाइब्रेशन होता है और एक विस्फोट के साथ एक बड़ा सा होल हो जाता है जिसमें से एक पर्पल कलर की सोल बोन उड़ती हुई दिखाई देता है। ये देखने में पर्पल कलर की होती है और साथ ही यह किसी क्रिस्टल की तरह दिख रही होती है। यह अपनी खुद की भंवर के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, जिसे देखते ही टैंक्शन एक्साइटेड होते हुए कहता है, यह एक टॉसो बोन है। तभी टैंक्शन देखता है पर्पल कलर के बोन के निचले हिस्से में रेड लाइट की लाइन जुड़ी हुई है और इसके चारों ओर का पर्पल भंवर भी उस रेड लाइट को सप्रेस नहीं कर पा रही है और यह सोल बोन सूट करते हुए गायब हो जाती है। इधर हम टैंक्शन को देखते हैं, तभी उसके माथे की सी गॉड मार्क से गोल्डन लाइट की 6 लाइन दिखाई देती है। हम देखते हैं कि इस गोल्डन लाइट एनर्जी टैंक्शन के सभी सोल बोन पर गिरने लगती है, जिसके कारण रेड लाइट वाली बर्फीली ठंडक तुरंत गायब होने के साथ टैंक्शन को काफी ज्यादा गर्मी का महसूस होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेमोनिक वाले किंग के पर्पल एनर्जी भी टैंक्शन को परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन रेड लाइट और गोल्डन लाइट के कोलिजन ने उसे ऐसा करने से रोक देते हैं।
और उससे पूरी तरह से सप्रेस करने लगते हैं। असल में टेंशन के बॉडी में ये रेड और गोल्डन एनर्जी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, वैसे इसको टेंशन का बैटल ग्राउंड कहा जा सकता है, जिसकी वजह से टेंशन को उसकी सोल की गहराई तक दर्द होने लगता है, जिसके कारण टेंशन बेहोश होकर गिरने वाला होता है। तभी पर्पल लाइट आसमान से गिरते हुए टेंशन के बॉडी के साथ फ्यूज होने लगती है और पर्पल लाइट कम होने के साथ साथ तेज हो जाती है और इसी के साथ ये पर्पल एनर्जी उन दोनों लाइट को कुछ हद तक सप्रेस कर देती है। इसी के साथ साथ टेंशन ने भी राहत की सांस ली। तभी टेंशन दोनों ही वेपन को अलग कर देता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रोक सका। दरअसल यहाँ पर ट्राइडेंट और हैमर की एक अलग ही फाइट वाली कहानी चल रही होती है और टेंशन खुद उनके बीच फंसा हुआ होता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं वह दोनों लाइट मिलकर फिर से एक बार मिलकर उस पर्पल एनर्जी को सप्रेस कर देते हैं। इसी के साथ लास्ट सोल बोन भी टेंशन के साथ आकर जुड़ जाती है, जिससे टेंशन का दर्द कुछ हद तक कम हो जाता है। रेड और गोल्डन लाइट एक दूसरे से इतनी ज्यादा फाइट करने लगते हैं कि टेंशन को लगने लगता है वह दो हिस्सों में बट जाएगा। वह दोनों ही लाइट एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। वैसे यहाँ पर गोल्डन लाइट सी गॉड की और रेड लाइट आशुरा गॉड को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों लाइट की लड़ाई की वजह से टेंशन तंग आ चुका होता है और मन ही मन कह रहा होता है कि तुम दोनों लड़ो, लेकिन सबसे पहले मुझे बेहोश कर दो और एक बार जब काम पूरा हो जाएगा तो मुझे जगा देना। लेकिन यह इम्पॉसिबल होता है। तभी टेंशन को महसूस होता है कि उसके अंदर सब कुछ प्योर गोल्डन हो गया है, जिसे देखकर टेंशन तुरंत समझ जाता है कि उसके बॉडी अब गॉड लेवल पर पहुंच चुका है। टेंशन समुद्र में होने के कारण समझ सकता था ये सी गॉड डोमेन है, जहां पर रेड लाइट ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती है, तो जीत तो सी गॉड की ही होगी। जैसे ही डेमोनिक वाले किंग के एनर्जी गायब हो जाती है, वह दोनों लाइट भी अपनी फाइट को रोकने देते हैं। ट्राइडेंट की लाइट तो धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है, लेकिन हैमर से रेड लाइट पीछे हटने का कोई सिग्नल नहीं दे रहा था। इसी के साथ हैमर पर एक सोल रिंग दिखाई देती है, जिसे देखकर टेंशन पूरी तरह से चौंक जाता है। हम देखते हैं कि यह पूरी तरह से प्योर गोल्डन कलर की होती है, जिसे देखते ही टेंशन कहता है, क्या यह सच में डेमोनिक वाले किंग की ही सोल बोन है या फिर यह किसी गॉड लेवल की सोल रिंग है। और इतना कहते ही आज का हमारे एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मैं इसकी दूसरे पार्ट को भी जल्द ही लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।